नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में पकड़ा हुआ विवाह या जबरन बंदूक की नोक पर हुई शादी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने माना है कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दबाव में लगवाना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक दोनों की इच्छा न हो और दुल्हा और दुल्हन साथ फेरे नहीं ले लेते, तब तक इस विवाह नहीं माना जाएगा। दरअसल हाई कोर्ट ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया है। उन्हें 10 साल पहले बिहार में अपहरण कर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उनकी जबरन शादी कर दी गई थी। बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रणव ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें तलब किया है। बता दें कि ईडी ने त्रिची स्थित पार्टनरशिप फर्म प्रणव ज्वेलर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अभिनेता प्रकाश राज को समन जारी किया है। बुधवार को जारी एक बयान में ईडी ने कहा, जांच से पता चला कि प्रणव ज्वेलर्स और अन्य जुड़े व्यक्तियों ने सराफा सोने के आभूषणों की खरीद की आड़ में सार्वजनिक धन को फर्जी संस्थाओं, प्रवेश प्रदाताओं को हस्तांतरित करके जनता को धोखा दिया है। पटना हाईकोर्ट को आज एक और जज मिल गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित जज जस्टिस विवेक चौधरी आज 24 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण लिए। उन्हें बिहार के गवर्नर ने शपथ दिलाया। जस्टिस विवेक चौधरी को भारत सरकार के कानून व न्याय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित किया है। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में अपना योगदान देंगे। उनके जज के रूप में योगदान देने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 35 हो जाएगी, जबकि जजों की स्वीकृति पद पटना हाईकोर्ट में 53 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने इसके बाद कवि और भगवान कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और 525 रूपए का सिक्का जारी किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रिज के दर्शन का अवसर मिला है। ब्रिज लाल जी और लाडली के बीच में प्रेम का अवतार है। ये ब्रिज पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रिज के रग रग में राधा रानी रमा हुई है। पटना के वेटनरी कॉलेज में 26 नवंबर को भीम संसद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भीम संसद सह सम्मान समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री एवं कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अशोक चौधरी, साथ में पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह तथा रंजीत कुमार झा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। नेताओं ने इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना जताई है। इससे पहले मंत्री अशोक चौधरी ने लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित के लिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को टीम इंडिया की वर्ल्ड कप फाइनल में लिहाड़ पर बयान दिया है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कोलकाता या मुंबई में खेला जाता तो भारत जीत जाता। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश की क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। ठंड से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 11.8 डिग्री सेल्सियस के साथ भागलपुर जिले का बांका शहर राज्य भर में सबसे ठंडा रहा। राजधानी के न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी भागों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक बनने की राह पर है। कहा कि अगर तेलंगाना के लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें तो तेलंगाना भी इस प्रगति का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले 25 वर्ष में अमृतकाल के दौरान जब हम आजादी के 100 वर्षों का जश्न मनाएंगे, भारत विकसित देश होगा। तेलंगाना के लोग विकास की इस यात्रा में साझेदारी होना चाहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक पार्टियां अभी से सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। बिहार में कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कन्हैया को लेकर कहा जा रहा है कि लालू यादव की अगुवाई वाली पार्टी आरजेडी कांग्रेस को बेगूसराय सीट देने के लिए राजी नहीं है। इसके साथ साथ कन्हैया को बिहार की राजनीति से दूर रखने का भी प्रयास चल रहा है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी बेगूसराय सीट कांग्रेस को न देकर लेफ्ट पार्टी को देना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को थाईलैंड की राजधानी में विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन किए। इस दौरान विचारक, कार्यकर्ता और नेता दुनिया भर में हिंदुओं के सामने आने वाली चुनौती और उनसे जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 4 साल में एक बार होने वाले विश्व हिंदू सम्मेलन के तीसरे संस्करण का विषय जयस आयतनम धर्म है। जयस का अर्थ धर्म, विजय का निवास है।
डीप फेक पर सरकार की चिंताओं के बीच गूगल ने गुरुवार को कहा कि वह जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की दिशा में भारत सरकार उद्योग और हितधारकों के साथ अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी का बयान केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद आया है। इसमें कहा गया था कि सरकार डीप फेक के प्रचार को पहचानने और सीमित करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार करेगी। हिंदू धर्म के अनुसार देव दीपावली कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार देव दीपावली 26 नवंबर रविवार को है। शास्त्रों में इस दिन के बारे में बताया गया है कि देव दीपावली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को तारकासुर के पुत्रों से बचाया था। अपनी जीत पर देवताओं ने घी के दीपक जलाए थे, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली की पर्व मनाई जाती है। अभिनेता रणवीर कपूर अपनी आगामी फिल्म एनिमल को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। एनिमल के निर्माताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पीवीआर सिनेमा में काफी धूमधाम से फिल्म का ट्रेलर जारी किया। फिल्म के मुख्य कलाकार रणवीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना इस कार्यक्रम में शामिल हुई। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों की अच्छी खासी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब अभिनेता ने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के वक्त पिता ऋषि कपूर की याद आ गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ग्रामीण युवाओं को साधने के लिए भाजपा ने नई रणनीति तैयार की है। भाजपा ने देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर कबड्डी मैचों की श्रृंखला शुरू करने का फैसला लिया है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के जिलों में नमो कबड्डी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राज्यों में यह प्रतियोगिता 30 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने 70 घंटे प्रति सप्ताह वर्किंग को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। अब बिल गेट्स भी इस बहस में कूदते हुए 3 दिन सप्ताह काम की सलाह देते हुए सबको चौंका दिया है। बिल गेट्स ने यह सलाह एआई की सहायता लेने पर जोर देते हुए दी है। उन्होंने कहा कि अगर मशीनों पर काम का अधिक बोझ डाल दिया जाए तो 3 दिन सप्ताह की वर्किंग सबसे बेहतर साबित होगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती मोदी वाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग से गुरुवार को झटका लगा। उन्हें आयोग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर शनिवार 25 नवंबर की शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा है। बीजेपी ने बुधवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी। पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एक अन्य पदाधिकारी ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक करार दिया था। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम शानदार खेल दिखाने के बावजूद ट्रॉफी अपने नाम करने से सिर्फ एक कदम दूर रह गई। इस अहम मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार के बाद निराश टीम इंडिया के खिलाड़ियों से जाकर ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया था। विस्पर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहम्मद शमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उस समय हम मैच हार चुके थे, ऐसे में जब प्रधानमंत्री आपको विश्वास देते हैं तो वह अलग ही पल होता है। यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि मनोबल गिर जाता है, तब आपके पीएम साथ होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। स्कूलों की माने तो अभी तक केमिस्ट्री में ए बी सी और डी सेक्शन होते थे, इस साल से ई सेक्शन और बढ़ा दिया गया है। इस साल से 4 नहीं बल्कि 5 स्तर पर सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए थ्योरी एग्जामों के साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट के लिए अंकों का निर्धारण कर दिया है। सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम फरवरी 2024 में प्रस्तावित है। बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल की डेट और अंक अपलोड करने की समय सीमा निर्धारित की जा चुकी है। ब्रिक्स की सदस्यता पाने के लिए पाकिस्तान बेताब दिख रहा है। पाकिस्तान ने गुरुवार को ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। बता दें कि वर्तमान में ब्राजील, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। ये सभी देश रूस में होने वाली 2024 के शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में दीपावली पर्व पर धूमधाम से दीपोत्सव मनाने के बाद सरकार द्वारा अब वाराणसी में धूमधाम से देव दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है। वाराणसी में 27 नवंबर को देव दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में तैयारियां तेजी से चल रही है। देव दिवाली पर जहां गंगा नदी के किनारे घाटों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा और 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में कई जगह लेजर शो भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें काशी की गाथा तथा अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि बैंकों को अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघनों की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा मजबूत करने और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने गुरुवार को एफआईबीएसी 2023 सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय समावेशन, ग्राहक पहुंच, उत्पाद विकल्प और सुविधा में वृद्धि के साथ बैंकिंग परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि धोखाधड़ी और डेटा लीक की बढ़ती घटनाओं के साथ उपभोक्ता के लिए जोखिम भी बढ़ गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम पूरे जोरों शोर से चल रहा है। रेलवे समय समय पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देता रहता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का इंतजार कब खत्म होने वाला है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल के जरिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम को लेकर अपडेट दिया है। रेल मंत्री ने बताया कि 21 नवंबर 2023 तक 251.40 किलोमीटर में पिलर्स बने हैं और एलिवेटेड सुपर स्ट्रक्चर 103.24 किलोमीटर में बन चुके हैं।
दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बंपर भर्ती का मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से 75,768 पदों पर भर्तियां की जानी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार आज यानी 24 नवंबर से एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन की अवधि 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने 2 विकेट से बाजी मारकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने इस टारगेट को 1 गेंद रहते हासिल कर लिया। दरअसल टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए आखिर गेंद पर 1 रन की जरूरत थी, लेकिन ये गेंद नो बॉल थी, जिसके चलते टीम इंडिया 19.5 ओवर में ही ये मैच जीत गई। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के हौसले काफी बुलंद हैं। अंतरिक्ष मिशन के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को लैंड कराया हो। चंद्रयान 3 के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने मून मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए उसने जापान के स्पेस एजेंसी JAXA से पार्टनरशिप भी किया है। मालूम हो कि 4th मून मिशन पिछले बिल्कुल अलग है। चंद्रयान 4 चांद पर जाएगा, लैंड करेगा और वहां से सैंपल लेकर धरती पर वापस लौटेगा। WHO के अनुमान के मुताबिक एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवाओं के बेअसर होने की वजह से हर साल दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में 4 लाख लोगों की मौत ऐसे खतरनाक इन्फेक्शन से हो रही है जिन पर कोई दवा असर नहीं कर रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आकलन किया है कि जिस स्तर पर आज समस्या नजर आ रही, अगर ये हल नहीं की जा सकी तो 2050 तक दुनिया में 1 करोड़ लोग इस वजह से मारे जाएंगे, क्योंकि उन पर दवाएं असर नहीं कर रही होंगी। आपको बता दें कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंसान की जान पर बने 10 सबसे बड़े खतरों में शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग ने NDA NA 2023 लिखित परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। UPSC ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन रिजल्ट सेकंड रिटर्न एग्जाम के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किए हैं। एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर रिजल्ट की जाँच कर सकते हैं। भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने याचिका दायर की है। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इसे स्वीकार कर लिया है और अब अपील का अध्ययन कर जल्द इस पर सुनवाई शुरू करेगी। फीफा के पैसिफिक फुटबॉल विकास प्रमुख आर्सेन वेंगर ने गुरुवार को भारत की अपनी यात्रा संपन्न की, जहां वह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में अभूतपूर्व प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत करने गए। अपने 4 दिवसीय दौरे में उनके ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में नई प्रशिक्षण अकादमी का दौरा भी शामिल था, जो देश में सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। भारत के पूर्व क्रिकेटर एस श्रीशंत पर उत्तरी केरल जिले में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज मामले में 2 अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। त्रिशूर जिले के चुंडल गांव के निवासी सरीश गोपालन ने आरोप लगाया है कि आरोपी राजीव कुमार और वेंकटेश खिन्ने ने 25 अप्रैल 2019 से विभिन्न तिथियों पर 18.7 लाख रुपए लिए। यह दावा करते हुए कि वे कर्नाटक के कोल्लूर में एक खेल अकादमी बनाएंगे, जिसमें श्रीशंत एक भागीदारी के रूप में शामिल होंगे। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के तापमान की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।